इस बार प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा में एक विविध का जो प्रक्रम जुड़ा है उसमें जोड़ा गया आपका जनगणना। क्या जोड़ा गया है? जनगणना। तो जनगणना के बारे में कुछ बातें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर जनगणना की प्रारंभ करते हैं। तो ये जनगणना क्या होती, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका साक्ष्य कब मिला? तो वास्तव में जो जनगणना का पहले साक्ष्य मिला था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला। भारतीय जनगणना के परिदृश्य में देखा जाए तो पहली बार जनगणना का जो प्रयासरत था, जो प्रयास किया गया, वो किसके द्वारा मिला? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के दो नाम और थे, चाणक्य और विष्णुगुप्त। वहां समय प्राप्त होते जनगणना के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते, पूरी जनगणना के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। उसके बाद भारत में जनगणना कराने का प्रयास अकबर ने किया था, किंतु उसने सफल नहीं हो पाया, न शुरुआत हो पाई। टोडरमल जानते आप लोग ना? हाँ, टोडरमल के कहने पे वह जनगणना कराने का एक बार प्रयास किए, लेकिन वो जो जनगणना कराने का प्रयास था वह किस पे आधारित था? वह अनुमान पे आधारित था कि हमारे नगर के या इस जगह की जनसंख्या इतनी होगी। जैसे अगर कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं, जैसे योजनाएं चलानी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, पता चला यहाँ पे इतनी संख्या होगी। इतनी संख्या का मतलब, जैसे आप राजा हैं तो आपको अपने साम्राज्य में अनाज पहुंचाना है, तो कितना अनाज देंगे उसके लिए क्या चाहिए? जनसंख्या। इसलिए तो अब प्रश्न उठ के बाहर आता है कि जनगणना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के, अध्यापक बनने के बाद एक काम आपको और मिलेगा पढ़ने के साथ, जनगणना करने का। क्या करने का? जनगणना करने का। तो आप लोग पहले यह जानते थे कि जनगणना क्या होती है। तो किसी भी देश में जनगणना जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात मैंने वही बताया, योजनाओं को सफल बनाने के लिए, योजनाओं को लाभान्वित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें संख्या पता होनी चाहिए। जैसे आप सब महिला घर में खाना बनाती हैं, तो कितना आटा सानती है घर में? इतना 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 कितना? पहले तो वही संख्या कितनी है, 5 लोग है जितना, 8 लोग आ रहे हैं तो 8 × 5 = 13 लोग का, तो मतलब संख्या। अगर संख्या पता नहीं है तो योजनाएं सफल, भाई खाना बच जाएगा तो कम पड़ जाएगा, दो कंडीशन होगी। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कितने लोग आ रहे हैं। तो मतलब सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, इसके लिए आपको देश की जनसंख्या या उस स्थान की जनसंख्या पता होना। आपके यहां भी क्या होगा, शादियां बढ़ती हैं तो पहले पूछता है हलवाई कितने बाराती होंगे, क्यों? यही जनगणना है। ये जनगणना का उद्देश्य है जो हम आज तक छुपाता है, जनगणना क्यों कराई जाती है। इसीलिए भैया 400 आएंगे, अरे लगता है 100 होकर बड़ा हो गए, तब तो खाना कितने का बनाएगा? 500 का। यही जनगणना है। अगर वो गलती 100 का बना दिया तो बेइज्जती हो गई। तो जनगणना इसलिए जरूरत पड़ती है। भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ की गई, किंतु जो वैज्ञानिक तरीके से हुआ, जो 10 वर्षीय गणना है, वह लॉर्ड रिपन 1881 में प्रारंभ की गई। लॉर्ड रिपन से जो प्रतिवर्ष 10-10 वर्षों के अंतराल पर 81, 91, 111, 121, 141, 151, 161 और 71, 81, 92, 2001, 2011, माने अभी तक भारत में जो 10 की जनगणना है वह 2011 की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी थी? अभी तक की जो 10 की जनगणना है यह 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पहली जो जनगणना कराई गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह 1951 थी। कितनी थी? 1951। अब इस जनगणना के साथ साथ कुछ बातें और जुड़ी है। 1921 को महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर की संज्ञा दी जाती है। किसकी? ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसकी? हाँ, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। यह प्रश्न पूछ चुका है कई परीक्षाओं में, क्यों? क्योंकि 1921 में आप जानते हैं हमारे भारतीयों की खास पहचान है पूरे वर्ल्ड में कि हमारे हम दो, हमारे आने दो वाला नहीं। तो इसलिए भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्रक्रम में लगातार। लेकिन उसी की इतिहास में 1921 ऐसा समय आया जिस समय जनसंख्या कम हो गई, तो इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वह ऐसा समय था जिसमें जनसंख्या क्या हो गई, पीछे की तरफ गई, कम हो गई। लेकिन उसके भी रीजन दिए गए, उसके भी लॉजिक थे। पहला लॉजिक, प्रथम विश्व युद्ध
काफी लोग उसमें बलिदान दिए अपना। उसके बाद महामारी, हैजा, प्लेग, कालरा, पहले जब बीमारी आती गांव के गांव सफा हो जाते थे, उस समय अच्छे उपचार के साधन नहीं थे। इस वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। और एक प्रश्न आजकल छुपा रुस्तम पूछा जाता है कि किसे द्वितीय महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। द्वितीय महान विभाजक वर्ष, सेकेंडरी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1951 को, जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, 1951 की, 1951 की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। उस समय भी युद्ध में खाली हुए थे हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में काफी संख्या कमी हुई थी और बंटवारा हुआ था, ठीक। और उसके बाद लगातार जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ती गई और 2011 की जनगणना में, ये बात आप लोगों ने सुना भी होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से, 125 करोड़ देशवासियों, ठीक। तो आपको जनसंख्या याद नहीं करनी देश की कितनी है, बस उनका एक लाइन याद कर लीजिएगा, 125 करोड़ देशवासी भाइयों एवं बहनों, तो आपको पूरी जनसंख्या याद हो जाएगी देश की जनसंख्या कितनी है, ठीक। ये हो गया। अब जब 1951 में पहली जनगणना हुई थी, देश की पहली जनगणना, उस समय जो जनगणना करने वाला व्यक्ति था वह व्यक्तियों से 19 सवाल पूछता था। कितने? 19 सवाल पूछता था। किंतु 2011 की जो जनगणना हुई उसमें कितने सवाल पूछे गए थे? आप एक अध्यापक होंगे, आपको रजिस्टर मिलेगा, आप दरवाजे किसी के जाएंगे वही 29 सवाल उससे पूछेंगे। लेकिन होता क्या है, हम वो 5-6 क्वेश्चन आप पहले जानते हैं। अब कोई आगे मैरिड है कि नहीं तो देख के जानना पड़ेगा, पूछेंगे शादी हुई है कि नहीं, पूछेंगे शादी हुई है कि अब नहीं हुई, पूछेंगे बच्चे कितने हैं आपके, चलो तो आ जाएंगे वही। अच्छा ठीक है, जो भी हो, कहने मतलब ये है कि हमारे यहाँ इस समय यह प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे जाने थे प्रत्येक घर से? 29 प्रश्न पूछे जाने थे। 2011 जनगणना, 2011 जनगणना का मुख्य जनगणना आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली मुख्य जनगणना आयुक्त 2011 जनगणना का, सी चंद्रमौली। 29 क्वेश्चन आप भी जाइएगा, आप भी पूछिएगा प्रश्न, करते हैं अभी 2011 जनगणना टीचर की है और कहीं के फिर करेंगे, टीचर नहीं किए थे। अच्छा सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली थे। अरे एक और पूछता है कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, यह थीम, यही पूछता है एक लाइन डायरेक्ट कि 2011 जनगणना की थीम क्या थी, हमारी जनगणना कामा हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पैसा भविष्य बना रहे हैं देश में, चीन के बाद दूसरे पायदान पहुंच गए। नंबर 1 पे जाएंगे आप, आपकी देश, अच्छा पूरा देश। चलिए हो गया। अब 2011 जनगणना, अब जो अगली जनगणना होनी है 2021 में होगी। इस 2011 जनगणना आपके सिलेबस में रखा गया है, इससे कुछ हम लोग को प्रश्न तैयार करते हैं। तो याद करने के लिए इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि आदमी याद करेगा ऊपर से नीचे से क्रैश हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन एक गाने को कोटेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक के रूप में, और याद करने का प्रयास करते हैं। वो ये है, आप लोगों ने ट्रक चलते हुए गाना सुना होगा कि पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, उसी के आधार पर ये बनाते हैं। उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई, इसमें जो बीच में आ रहे के ने होई कार देते हैं तो क्या क्या बचा, तो उसमें दो दो अल्फाबेट लगे, ध्यान दीजिएगा, उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई, सब दो दो अल्फाबेट है, होई का कोई मतलब नहीं, ये सब दोनों इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगे थे। अब जो पहला वर्ड मिलेगा वह अधिकतम होगा, जो सेकेंड वर्ड होगा वह न्यूनतम होगा, ध्यान दीजिएगा बात को। जो पहला शब्द होगा, पहला अच्छा, वो अधिकतम की बात करेगा और दूसरा शब्द न्यूनतम की। तो जो उस वाला है इसका, ये है जनसंख्या, ये क्या है, तो पूछा जाए भारत की जनसंख्या कितनी है तो 1.21 अरब कहिए चाहे 121 करोड़ कह दीजिए लगभग। तो उमाने देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश, 19 करोड़ लगभग, 19 करोड़। सबसे कम किस राज्य की जनसंख्या, सिक्किम, उस उत्तर प्रदेश से सिक्किम 6.1 लाख, 6.1 लाख, ठीक।
अब आया मन, मन माने क्या है, म माने अधिकतम, न माने ये बताता है दस की वृद्धि, क्या बताता है दस की वृद्धि क्या होता है, दस की वृद्धि क्या होता है, पिछले वर्ष की जनसंख्या में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही दस की वृद्धि होता, कैसे निकालते पता है, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र सुन लीजिएगा, पिछले वर्ष की जनगणना, पिछले माने दस वर्ष की, माने इसे अगर आपको 2011 की दस की वृद्धि निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, 2011 की जनगणना माइनस 2001 की जनगणना पूरे का बटे 2001 की जनगणना गुणे 100, वही परसेंटेज वाला चिन्ह, अगर कोई वस्तु 500 रुपए की वस्तु 600 रुपए में बिके, इस बार क्वेश्चन में तो था यूपीटेट में, हाँ बताएंगे भी क्वेश्चन कौन सा था, तो उसी पे निकल जाएगा तुरंत। तो जो 10 की वृद्धि हुई 17.0, माने भारत ने 10 साल में अपने यहां कितने लोग को बढ़ाया, 17.5% की जनसंख्या वृद्धि कर दी पिछले साल की अपेक्षा, ठीक। और सबसे ज्यादा म से लिखिएगा मेघालय, और न से लिखिएगा नागालैंड, तो सबसे ज्यादा जो है 10 की वृद्धि किस राज्य की हुई, मेघालय की, लिख लीजिएगा 27.9%, 27.9% मेघालय का, हाँ मेघालय का, देखिए नागालैंड का अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रहा है, कहीं दे रहा है -0.6%, कहीं दे रहा है -0.47%, माने -0.47, कहीं -6, दोनों दे रहा है माइनस में ही है, नागालैंड माइनस में गया है। ये मात्र ऐसा राज्य है जहां पे जनसंख्या पीछे की तरफ बढ़ी है, बाकी हर जगह आगे गया है, और औसत जो पूरे देश का है वो 17.5% है। तो क्या हो गया, उसके मन ने कहा बिया कब हुई, अब आया कहा, कहा क्या होता है, ये पहला हो गया अल्फाबेट अधिकतम, दूसरा अल्फाबेट न्यूनतम। अब इसमें देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं, ये है लिंगानुपात, इसे सेक्स रेशियो कहते हैं। ये लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या देश में कितनी है, माने 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो हमारे देश में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, माने देश का जो लिंगानुपात है भारत का वो 943 है। लेकिन अगर राज्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य केरल है, लिख लीजिएगा केरल 1084, माने 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं वहां, 1084 84 स्ट्राया, जौनपुर में भी स्ट्राया, चिंता ना करें बचेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जौनपुर जिला, हाँ गौरव जी बहुत भाग्यशाली है, हम निकल रहे हैं दिल्ली यार इसी के बाद, ठीक। ये हो गया केरल 1084, सबसे कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहां से किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, लिंगानुपात सुधारना। ये आपके सिलेबस, ये करंट में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, करंट अफेयर लिखित परीक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की गई, उसका उद्देश्य क्या था, लिंगानुपात को सुधारना। हाँ ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक क्वेश्चन जीएस का याद रख लीजिएगा, अभी आज आज आपको न्यूज मिल जाएगा किसका, मैरी काम का, इतिहास रचने जा रही है, ठीक। जैसे इतिहास रचेंगे जीएस का एक क्वेश्चन तैयार आपका, एक नंबर फिक्स पूछेगा लिखित में मैरी काम से, ठीक। अच्छा बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर भी है, देखिए केरल की कितनी है, केरल के सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1084, हरियाणा का 879, ठीक। अच्छा एक बात और, इसलिए यहां पे दहेज लिया नहीं दहेज दिया जाता है, अलग अलग राज्यों से लड़कियां जा रही है शादी के लिए, नहीं तो लड़की कितने कुंवारे रह जाएंगे, घटाइए जरा, तो एक हाँ 100 का घटा बैठ गया अपने पैर के बाहर, ठीक। चलिए यही से तब योगी मोदी अटल बिहारी वाजपेयी निकलेंगे। आगे देखते हैं, अब आते हैं बिया पे, तो यहाँ क्या है, जनघनत्व है। जनघनत्व कैसे निकालते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को क्या कहते हैं, कुल जनघनत्व कहते हैं। पूरे देश का जनघनत्व 382 है,
कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं, क्या निकल जाता है? जनघनत्व माने प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? हम जनघनत्व कहते हैं। देश का जनघनत्व 382 है, सबसे ज्यादा किस राज्य के बीच से? बिहार। बिहार 1106। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17, सिर्फ 17 है। माने एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने व्यक्ति संख्या कितनी है? 17 है। हाँ नहीं जाना, अरे अभी बताएंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारा, सीटेट वाले पढ़ लेंगे कि सीटेट पूछ सकता है, हम तो भाई सीटेट देना नहीं है, क्या करेंगे? देखे समय बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद करना है। जो जो टेट क्वालिफाई हो गए हैं पूरी ईमानदारी से लगे लिखित में, इधर उधर फड़फड़ाए ना नहीं। कहा एक कहावत है ना, घर की उंदरी उर्दी जंगरे में डालना, मतलब अब लोग डिकोड बाद में करेगा। ये अब आते हैं कब, ये है साक्षरता। हम एक प्रश्न पूछेंगे और अभी तो मैम बताई गई सामूहिक पूछना चाहिए, लेकिन मैं किसी व्यक्ति विशेष से ही पूछूंगा, ठीक? साक्षर किसे कहते हैं? आपसे नहीं रुके तब आप बताइए, साक्षर, मैं साक्षर हूं या नहीं? अच्छा हाँ मैं, अच्छा आप बताइए साक्षर किसे कहते हैं? जो लिखना जानता हूं। हाँ चलिए पढ़ना भी अच्छा, आप लोग बताइए साक्षर किसे कहते हैं? अच्छा मेरे घर के बगल में एक लड़का है, अभी 4.5 साल का लड़का है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो अंग्रेजी लिख लेता है बोलने पे, और पढ़ भी लेता है और हिंदी भी पढ़ लेता है, लिख लेता है। सर अंग्रेजी नहीं, हिंदी पढ़ लेता है, हिंदी लिख लेता है। अभी 4.5 साल का लड़का है, अभी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अच्छा हाँ तो आप बताइएगा साक्षर है? अच्छा आप बताइएगा सोनी जी। हाँ अक्षर वो पढ़ लेता है, पता है हम अपना नाम बोले कठिन नाम दुर्गे सो भी लिख दिया, उड़न तुम्हारे भी लगा दी। अच्छा तो सही बात है, आप बताइए अंजलि जी। बोलो पढ़ना भी जानता है लिखना भी जाना है, अरे कहीं मातृभाषा शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि जरूरी अंग्रेजी लिखने जाने तब है साक्षर कहेंगे। चलिए अब आप बताइएगा, मतलब साक्षर वो लड़का जिसको मैं देखा हूं 4.5 साल का लड़का है और वो लिख भी लेता है, हिंदी शुद्ध पढ़ लेता है, आप बताइएगा, आप बताइएगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। हाँ चलिए और कोई बताए अब, सही है आप लोग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक बात और याद रखिएगा, अगर साक्षर किसे कहते हैं? वह बंदा 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और अपनी मातृभाषा में शुद्ध लिख सकता, शुद्ध पढ़ सकता हो, साइन करना भाड़ में जाए, लेकिन वो आयु कितनी पूरी कर चुका हो? तभी मैंने कहा 4.5 साल का बंदा है, तो आप कहेंगे साक्षर है, उसकी गिनती गणना में नहीं होगी। अगर वो पूछेंगे 29 सवाल आपको दिए गए, उनसे पूछेंगे कितने साल का है, तब पूछेंगे लिखना पढ़ना जानता है कि नहीं, पहले साल पूछेंगे। अगर वो 6 साल पूरी कर चुका, माने 6 साल का आयु पूरी कर चुका है तब तो ठीक है, नहीं पूरी कर चुका तो उसे किसमें रखेंगे? साक्षर नहीं है, चाहे पूरी इतिहास भूगोल जानता हो। समझ आप लोग को? तो साक्षर किसे कहेंगे? 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, अभी क्यों पूरा कर चुका वो भी हम आपसे पूछेंगे। आप प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक, अध्यापक बन जाएंगे, भगवान करे आप लोग बन भी जाएंगे, तो आप एक क्वेश्चन और पूछेंगे, आप अपने यहाँ एडमिशन किस उम्र के बच्चे का लेंगे? तो पहुंचते हुए साक्षर बना देंगे आप? नहीं, इसीलिए आयु कितनी रखी गई है? 6 वर्ष की पूरी कर चुका, मतलब 7 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कांसेप्ट समझिएगा, वह 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अरे आप सिखाएंगे तब तो साल भर में, अब आप सब इतने अच्छे अध्यापक हैं कि पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाएंगे, एक साल में से साक्षर बना देंगे, ठीक है? समझ में आया? तो जो देश की साक्षरता है वो कितनी है? 73%। माने पूरे देश में साक्षर की जो परसेंट है जो कितनी है? 73% है, ठीक। इसमें भी महिला और पुरुष है, तो लिखिएगा पूरे देश में जो पुरुष साक्षर है 80.09, 80.09%, 80.09
सॉरी 80.9% जीरो हटा दीजिए, 80.9% मतलब भाई इक्यासी। और जो महिलाएं हैं, जो महिला साक्षरता है वह 64.6%, 64.6% है, ठीक। अच्छा अब राज्य में देखा जाए कब से, कब से है केरल, तो सबसे ज्यादा केरल की है साक्षरता 94%। हे भगवान उत्तर प्रदेश का भी भला कर दे आप जैसे अध्यापकों द्वारा। सर 100% किसी राज्य का नहीं है? नहीं अभी बताएंगे केंद्र शासित में आ जाएगा। अब देखिए बिहार लालू जी 61.8%, केरल का है आपका 94%, 61.8%। माने देश की जो महिला साक्षरता है उससे भी कम किसका है, बिहार का है। यूपी का 64% है, 64.64% है। यूपी का भी बता ही नहीं थे हम, हाँ बिहार का 61.8%, हाँ 61.8%, ठीक। अब बचेगा उत्तर प्रदेश, किसी दिन और हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश को उठाएंगे और कोई ट्रिक लगाएंगे और क्या करेंगे पूरी साक्षरता खत्म कर देंगे। तो फिर एक बार आपको याद दिला दे, उसके मन ने कहा बिया कब हुई, उस माने जनसंख्या, जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है, उस उत्तर प्रदेश और सिक्किम, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उसके बाद दूसरे पायदान पे आते हैं मन, मन माने 10 की वृद्धि, सब पूरे देश का 10 की वृद्धि 70.5, और सबसे ज्यादा मेघालय 29.9%, और सबसे कम 27.9, और सबसे कम नागालैंड -0.6% 0.4%, ठीक। उसके बाद है कहा माने लिंगानुपात, लिंगानुपात पूरे देश का 943, और यह हमारे यहाँ केरल और हरियाणा, केरल का 1084, हरियाणा का 879, हाँ इसको उससे जोड़ लीजिएगा ना घटना से, जैसे अमेरिका मैंने बताया ना तुरंत याद आ जाएगा। फिर बिया, बिया माने बिहार और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वहां पे क्या है बड़े बड़े ऊंचे पर्वत पठार है, कौन रहने जाएगा, इसीलिए वहां जनगणना क्या है कम है। फिर आएगा कब साक्षरता, तो बिहारी बहुत प्रसिद्ध है खेत बोने में, हाँ ठीक मकान बनाने में, तो कैसे केरल, केरल क्या सबसे ज्यादा साक्षरता है, और जब साक्षरता है तो लिंगानुपात भी ज्यादा होगा, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यहाँ सब क्या होगा इसका भी समस्या है कि लिंगानुपात की, तो यहाँ पे साक्षरता जो है 73% पूरे देश की है, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%, और यहाँ केरल की है 94%, बिहार की 61.8%, ठीक। ये थी आपकी पूरी साक्षरता जनसंख्या का 2011 के अनुसार मैंने बता दिया। अगर यहाँ से हाँ 17 है, हाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिखा रहेगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, माने एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्ति संख्या कितनी है 17, ठीक। किसी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, नहीं पूछना है, आप सब भी एक बार कॉपी कलम लेके लिख लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने पढ़ दिया, ठीक। और शेयर कर दीजिएगा, लगे रहिए, और आपको इसकी नोट जल्दी उपलब्ध कराएंगे हम।